आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है नाश्ता रेसिपी, और बहुत ही बढ़िया वाला नाश्ता बनने वाला है, और साथ ही साथ स्वादिष्ट भी होगा, हर किसी को पसंद आएगा और आसान भी है बनाना। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें आटा चाहिए गूथा हुआ, तो ये कटोरी भर के आटा था पहले का गूथा हुआ। अब इसके छोटे छोटे से इस तरह से हमने पेड़े बना लेने हैं, तो जैसे पूरी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा हमको इसे बनाना है। तो सेम रोटी की तरह ही आटा गूंथा हमने, कोई सख्त या रोटी से मुलायम नहीं है, वैसे ही है जैसे रोटी बनाते हैं। इस तरह से अभी इसको हमने बेल लेना है, जैसे रोटी बेलते हैं ना उसी तरह, थोड़ा सूखा आटा लगा के अब इसे बेल लेते हैं। तो मैंने आटा थोड़ा कम लिया, तो पहले भी आपको बताया पूरी से थोड़ा सा बड़ा रखना है। अभी मैंने क्या किया, एक कटोरी ले ली है स्टील की, इस तरह से, बहुत बड़ी वाली भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की है। इस तरह से इसको हमने गोल शेप दे देनी है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा गोल सी शेप बन गई ना पूड़ी की। इसी तरह हमने सभी तैयार करनी है। तो अगर आप जल्दी करना चाहते हो ना, तो थोड़ी बड़ी रोटी बेल लीजिए और दो इस तरह से पूड़ियाँ बना लीजिए। अगर इससे ज़्यादा आप जल्दी और चाहते हो, तो बहुत सारा बेल के ना बड़ा सा सरफेस पे, तो चार पांच एक बार में ही बना सकते हो। सभी हमने तैयार कर ली। अभी हमने सिंपल जैसे रोटी बनाते हैं ना, वैसे इसे सेक लेना, लेकिन रोटी को ज़्यादा हमें सेकना पड़ता है, लेकिन इसे ना थोड़ा कम ही सेकना, थोड़ा कच्चापन इसका निकल जाए। इस तरीके से इन्हें सेक लेना, सबको हमने जितने डाले हैं ना तवे पे, इस तरीके से, मतलब कि इसे हमने 70 से 80% तक पकाना है। तो रोटी की तरह पूरा इसको सेक नहीं देना, इस तरह से हमने इसको सेक लिया। अब इन्हें निकाल देते हैं। तो एक बैच तो हो गया, अभी जो दूसरे बचे हैं उन्हें भी इसी तरह से हमने सेक लेना। उसके बाद हमने पैन ले लिया, पैन में डाल दिया 2 चम्मच के करीब तेल, तेल गर्म होने पे डाल दिया 1/2 चम्मच जीरा, साथ ही साथ हरी मिर्च डाल दी, जितनी आपको पसंद है उतना तीखा आप डाल सकते हो, और साथ ही साथ थोड़ा सा प्याज भी डाल दिया, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच हमने डाल दिया जीरा पिसा हुआ, साथ ही साथ हमने ना 1/2 चम्मच अमचूर डाल दिया, आप चाहो तो चाट मसाला भी डाल सकते हो, और बारीक कटी हुई थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल दी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना ही पकाना है। और इसके बाद अभी हम हल्दी भी थोड़ी सी मिला रहे हैं, साथ ही साथ 1/2 चम्मच नमक। ये अभी हो चुके हैं। अभी हमने उबले हुए आलू ले लिए, ये 4 आलू हैं उबले हुए, इस तरह से मैश करते हुए हाथों से हमने सारे मिला देने हैं। अभी बढ़िया सा पका लेना, इन्हें मिक्स कर लेना, ये बहुत अच्छे से मैश और पक भी गए अच्छे से, और ऊपर से हमने डाल दिया हरा धनिया, और थोड़ा सा मिक्स कीजिए। और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अभी ये देखिए, अभी हमने क्या करना है, जो पूड़ियाँ तैयार की है एक को उठाना है, इसके ऊपर लगा देनी है हरी वाली चटनी इस तरह से। तो चटनी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ड्राई ही होनी चाहिए, तो घर में पीसी है मैंने। अभी दूसरी ये पूड़ी ले ली, इसके ऊपर हमने लगा दी टमाटो केचप। अभी हमने जो स्टफिंग रखी है ना, उसको एक हमने अपने ये स्लाइस पे इस तरह से लगा देना है। स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ही रखे, इस तरह से अच्छे से भर ले। अभी दूसरी को उठाया, इसके ऊपर रख दिया, तो बर्गर की तरह से बना लेना हमने। ये देख लीजिए, बहुत बढ़िया से तैयार हो चुकी है। सभी को हमने इसी तरह पहले तैयार कर लेना। अभी इन्हें सेक लेना, तवे पे डाल दिया तेल, और तेल को ना, सॉरी जी, पैन पे, और चारों तरफ इस तरह से पैन को घुमाइए, चारों तरफ तेल फैल चुका है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं है, सेंकना ही है हमने। तो इस तरह से 4 एक बार में आ चुके हैं। जब एक साइड हो जाए ना, तब इन्हें पलटी लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि ये कम क्रिस्पी हुए हैं, तो एक बार और पलटी लगा लीजिए, और कम गैस पे बढ़िया क्रिस्पी से कर लीजिए। देखिए इस तरह से अभी जो तैयार है निकालने के लिए, इन्हें निकालते हैं बाहर। तो जो अभी बाकी बचे हैं ना, इन्हें भी इसी तरह से हमने सेक लेना बढ़िया सा। तो सभी हमने तैयार कर लिए, और अभी आप ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, तो मैंने ये भुजिया ले लिया, तो किनारों पे इस तरह से लगा दिया, क्योंकि आलू है ना तो उसके साथ चिपक जाएगा, तो अच्छा लगेगा दिखने में। तो देखिए इस तरह से बना लिए मैंने।
लो जी, नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। सभी हमने इसी तरह से तैयार कर लिए। अभी हरी वाली चटनी और साथ ही साथ ये टोमेटो केचप, और अगर आपको कोई और तरह की चटनी पसंद है उसके साथ खाइए। अच्छी लगे रेसिपी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।